भाई साहब, आज हम लोग टाउन हॉल 12 की अलग अलग स्ट्रेटजीज देखने वाले जो आपको हेल्प करेंगी हर टाउन हॉल 12 को 3 स्टार करने में। चलेंगे गेम के अंदर। भाई साहब बहुत ज्यादा ही गर्मी है हमारे पुणे में, 38 डिग्री सेल्सियस। भाई एसी लगा के रखा है भाई, फिर भी पसीना आ रहा है यहाँ वहाँ। इतनी गर्मी में भाई वीडियो बनाने जब भी बैठता हूँ भाई पसीना आ जाता है इधर उधर से, जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ पे सबसे ज्यादा पसीना आता है। चलो भाई आप बताओ मेरे को आपके वहाँ पे कितनी गर्मी है। वैसे गर्मियों के मौसम में गाइज क्लैश खेलने का मजा ही अलग है। और आज हमारे सामने भाई इंडोनेशिया की टीम आ चुकी है, इनको नहीं छोड़ेंगे भाई आज हम लोग। आज की हमारी स्पेशली टाउन हॉल 12 के लिए वीडियो होने वाली है, तो हम लोग सबसे पहले टाउन हॉल 12 के ऊपर अटैक करेंगे। ये लो गाइज हमारी आज की सबसे पहली अटैक स्ट्रेटजी होने वाली है क्वीन चार्ज हॉग राइडर की। अब देखो ये वाला बेस बहुत ही तगड़ा बेस लेआउट है, इसके ऊपर ऑलरेडी अटैक हो चुका है, ठीक है। तो इस वाले बेस के ऊपर हम लोग क्या करने वाले, देखो आर्मी देखो 25 हॉग राइडर और क्वीन चार्ज के साथ हम लोग अटैक करेंगे। सीसी के अंदर ये टी लेने वाले। अब क्या करेंगे पता है हम लोग इस बेस के ऊपर, देखो टाउन हॉल में क्वीन चार्ज नहीं करेंगे, टाउन हॉल को हम लोग रेड स्पेल और यटीज के साथ टेक डाउन करेंगे। ये देखो यटीज है सीसी के अंदर, तो इधर से हम लोगों को इन्फिर्नो और टाउन हॉल मिल जाएगा। उसके बाद क्वीन चार्ज ईगल से करेंगे, उसके बाद किंग किसी एक कंपार्टमेंट में लेके जाएंगे, उसके बाद देखते उसके बाद जिधर भी हॉग का रास्ता बनेगा उधर से हॉग डिप्लॉय करेंगे। खैर लोअर टाउन के ऊपर हॉग के लिए रास्ता बन ही जाता है जल्द से जल्द, ठीक है। स्टार्टिंग में हम लोग क्वीन चार्ज करेंगे, उसके बाद एक बलून डाल के ब्लिंप को डालेंगे और रेड स्पेल को डाल देंगे यहाँ पे। नाइस, अरे बाप रे, ये देखो सीसी के अंदर आइस लावा रखा है भाई बंदे ने। ओके नाइस नाइस गोइंग नाइस गोइंग, बहुत उम्दा। चलो गाइस बहुत ही अच्छी खासी वैल्यू हम लोगों को इधर से मिल चुकी है। स्केलेटन बिलेटन क्या क्या आ रहे हैं भाई साहब। चलो 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 चलो, एक रे जाएगा, बहुत नाइस बहुत नाइस। डबल पॉइजन लेके इसलिए आया हूँ क्योंकि एक पॉइजन आएगा गाइज एनिमी सीसी के ऊपर और दूसरा पॉइजन जाएगा किधर, स्केलेटन्स के ऊपर, क्योंकि हॉग अटैक में स्केलेटन्स बहुत ज़्यादा दिक्कत देते हैं भाई साहब। इनकी एबिलिटी मारेंगे। चलो गाइज बहुत सही बहुत सही, वेरी नाइस। ओके फिलहाल तो काफ़ी अच्छा जा रहा है अटैक हमारा। ए विज़र्ड काहे डाल दिया, बलून डालना था भाई। नाइस 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 गोइंग, एक रेज जाएगा, एक सुपर वॉल ब्रेकर, अरे बाप रे। चलो कोई दिक्कत ना है, हॉगिंग करेंगे गाइस इधर से, सारे हॉग डाल दिए मैंने। लॉल पॉइजन आएगा यहाँ पे, यहाँ पे एक हील आएगी, एक हेड एंटर, दूसरा हेड एंटर, क्वीन की एबिलिटी भी जाएगी। बुड्ढे की एबिलिटी जाएगी क्लीन अप के लिए, ये और ये आएगा। ओके नाइस गोइंग, हॉक्स का झुंड क्रिएट हो चुका है। ये विजिट टावर को कैसे भूल गया भाई, मैं विजिट टावर को कैसे भूल गए। चलो क्लीन अप के लिए ट्रूप्स, विजिट टावर जिंदा रह गया भाई पता नहीं कैसे। जो भी हो गाइस दिस इज अ खत्म बेस, अभी भी एक हिल स्पेल हमारे पास बच चुका है, डालेंगे इधर, एक डाल देते हैं वॉल ब्रेकर। हिल स्पेल बच चुका है गाइस हमारे पास और दिस इज अ खत्म बेस। तो भाई साहब ये थी आज की हमारी पहली अटैक स्ट्रेटजी क्वीन चार्ज हॉग राइडर की। भाई ये लो भाई पसीने छुड़ा दिए एनिमी टीम वालों के, ये हिल स्पेल का ना हम लोग यहाँ पे स्वैग करेंगे। सिंपल है भाई, देखो टाउन हॉल अगर मिल रहा है यटी ब्लिम के साथ, यटी ब्लिम के साथ निकालो, उसके बाद क्वीन चार्ज चलाओ, क्योंकि यार क्वीन इतनी स्ट्रांग है आपकी टाउन हॉल 12 और 13 पे कि मरती ही नहीं है जब तक वो सिंगल इन्फिर्नो की रेंज में ना आए, तो बहुत पावरफुल क्वीन चार्ज जाता है। तो ये तो हो गया गाइज आज का हमारा पहला अटैक क्वीन चार्ज हॉक के साथ। अभी हम लोग बढ़ेंगे दूसरे बेस की तरफ, अभी चलेंगे दूसरे अटैक के लिए, और दूसरी हमारी स्ट्रेटजी होने वाली है हाइब्रिड अटैक स्ट्रेटजी। अब हाइब्रिड तो पता ही आप लोगों को लो टाउन हॉल पे कितनी पावरफुल काम करती है। तो पहला अटैक हमने देखा क्वीन चार्ज हॉग, अभी देखेंगे क्वीन चार्ज हाइब्रिड इस वाले बेस के ऊपर। देखो इस आर्मी के अंदर बहुत सिंपल है भाई, करना क्या होता है क्वीन के साथ टाउन हॉल और सीसी अगर मिल रही है तो निकाल लो, अगर इतना निकाल लिया भाई उसके साथ किंग और एसबी के साथ फनल बीच में घुसा दो भाई पूरी आर्मी, यही तो फंडा इस आर्मी के साथ। चलो भाई अभी करके दिखाता हूँ, ये देखो इस बेस के ऊपर करेंगे
टाउन हॉल में अगर क्वीन घुसाते हम लोग तो हमको सीसी और टाउन हॉल दोनों मिल जाएंगे। उसके बाद क्या, इस साइड से भी कर सकते हैं, इस साइड से भी कर सकते हैं। बेस के अकॉर्डिंग आप लोगों को पता चल जाएगा कहाँ से करना है, वो आपका सिक्स्थ सेंस आपको बता देगा कि भाई इधर से करना है करके। अभी देखो, अभी मेरे को टाउन हॉल में लेके जाना है क्वीन को, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। तो मैं ना इधर डालूंगा क्वीन को, बलून डाल के सारी हिलर इधर डाल दूंगा, इधर डाल दूंगा एक ये। अरे यार बंदे ने टेस्ला फार्म रखा है यहाँ पे, चलो गाइस कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इधर एक वॉल ब्रेकर डाल देंगे हम लोग, फूट जा भाई फूट जा, गलत वॉल फोड़ दिया बंदे ने, कोई दिक्कत नहीं है। एक बलून डाल देंगे, ओके चलो 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 चलो। अगर नहीं भी जाती है क्वीन टाउन हॉल में, हमारे पास एक और वॉल ब्रेकर है, तो हम लोग वॉल ब्रेक करके भाई क्वीन को लेके जाएंगे दूसरे कंपार्टमेंट के अंदर। फ्रीज डालेंगे, नाइस, पॉइजन जाएगा, ओके वापिस एक फ्रीज जाएगा, वापिस एक रेज जाएगा, ओके चलो गाइज ये कर लिया। अभी टाउन हॉल को मारेंगे इग्नोर, क्योंकि क्वीन गई नहीं टाउन हॉल के अंदर, ठीक है। बंदे ने अच्छे खासे ट्रैप्स लगा के रखे थे, ये देखो टेस्लाज ने भाई पूरा अटैक बिगाड़ दिया हमारा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे बताए, हम लोग करेंगे इग्नोर, किसको, टाउन हॉल को। एक वॉल ब्रेक देंगे, गलत चला गया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इधर एक रेज आएगा, ओके चलो। क्वीन बहुत अच्छा काम कर रही है, बार्बेरियन किंग तो पता नहीं भाई किधर फंस गया है। इधर डालेंगे हेड हंटर्स हम लोग हमारे, ओके इधर हम लोग बुड्ढे की एबिलिटी देंगे, नाइस। अभी गाइज ये ना हम लोग कर रहे फुल रिस्की अटैक, क्योंकि हमारा सीन हो चुका है हमारे साथ, बंदे ने कर दिया सीन हमारे साथ टेस्ला लगा के। तो अभी हम लोग कर रहे थ्री स्टार के लिए कोशिश, हिल जाएगी गाइज, परफेक्ट हिल स्पेल डाली हम लोगों ने। किंग की एबिलिटी बात चुकी है, अभी देखो किंग एबिलिटी में हम लोगों को मिल जाएगा इधर से टाउन हॉल। किंग की एबिलिटी मार देंगे, ये लो किंग एबिलिटी में हम लोगों को इधर से टाउन हॉल मिल जाएगा, ये लो गाइस टाउन हॉल मिल चुका है। और ये वाला अटैक ओवर पावर तरीके से थ्री स्टार हो गया। अगर क्वीन चली जाती है टाउन हॉल कंपार्टमेंट में तो इजीली हम लोगों को टाउन हॉल मिल जाता, लेकिन नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं, हमने मारा पूरा इग्नोर। अगर किंग जाता भी नहीं तो हमारे पास आर्मी इतनी सारी बची थी, माइनर्स इतने सारे बचे थे कि वो जाके फोड़ते ही फोड़ते टाउन हॉल को भाई साहब। इसलिए तो बोलता हूँ भाई लो टाउन हॉल के ऊपर हाइब्रिड बहुत पावरफुल है, कितना भी गलत चला जाए आपका अटैक, अगर आपके कंट्रोल में आर्मी है तो इजीली ट्रिपल मार दोगे। ये लो भाई ये हो गया हमारा एक और थ्री स्टार अटैक दूसरी स्ट्रेटजी के साथ। अभी हम लोग चलेंगे दूसरे बेसिस के ऊपर और दूसरी स्ट्रेटजी देखने के लिए। चलो भाई साहब अभी हमारी अगली अटैक स्ट्रेटजी होने वाली है जैप लावालून, तीसरी अटैक स्ट्रेटजी जैप लावालून की। अब जैप लावालून कैसे करना है इस बेस के ऊपर और क्यों करना है ये देखो, क्योंकि हम लोगों को यहाँ से इन्फिर्नो टावर, एक्सबो और एक सुपर मिल रहा है, तो इनको जैप करेंगे 5+1 में, ये तीनों चीज़ें जैप हो जाएंगी। उसके बाद एक वॉल ब्रेकर इसके ऊपर आएगा, एक वॉल ब्रेकर इसके ऊपर। इधर एक बड़ा वाला गोलम, नॉट आइस गोलम, बड़ा वाला गोलम आएगा। बड़े वाले गोलम के साथ एक स्केलेटन स्पेल के साथ एक हेड हंटर के साथ क्वीन ये टेक डाउन करेगी और किंग ये वाला कंपार्टमेंट। अगर क्वीन हमारी गलत भी चली जाती है तो किंग यहाँ से अंदर घुसेगा, तो किंग के साथ तो टाउन हॉल मिलना निश्चित है। उसके बाद बेस के अंदर क्या बचता है, ये बचता है ये वाला और ये वाला, दो इन्फिर्नो बच जाते हैं। लावल उनके सामने क्या ही कर लेंगे ये इन्फिर्नोस, ठीक है। उसके बाद सिंपली हम लोग यहाँ से फ्लिंगर के साथ वैल्यू लेंगे यहाँ से, तो फ्लिंगर के साथ वैल्यू गिनो भाई साहब तुम लोग, सिर्फ यहाँ पे क्या ही वैल्यू मिलने वाली है फ्लिंगर के साथ। बेस के अंदर गाइस लिटरली ज़्यादा कुछ बचेगा ही नहीं, तो देखो ये वाली आर्मी रहने वाली हमारी, एक गोलम, दो लावा हॉन्ड, एक आइस गोलम, चार हेड हंटर, और ये क्या आर्मी है भाई साहब, तीन फ्रीज, तीन हेस्ट, दो हेस्ट। लेट्स गो, देखते हैं हम लोग अभी क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में देखो यटी आएगा और ये आएगा और ये आएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो कम ऑन यटी के साथ हमको वैल्यू निकाल के दे दो। चलो गाइस यटी इधर से वैल्यू निकाल के दे देगा, अभी ये डाल के ये डालेंगे, ये लो गाइस हम लोगों को जैप में भी वैल्यू मिल चुकी है। वॉल ब्रेक और वॉल ब्रेक जाएगा, बहुत उम्दा। गोलू क्वीन, एक स्केलेटन जाएगा, बार्बेरियन किंग जाएगा, एक हेड हंटर जाएगा, एक आइस गोलम जाएगा,
सी, नीचे की साइड पे फ्लिंगर काम कर रहा है, ऊपर की साइड पे गोलू क्वीन और हमारा बार्बेरियन किंग। और ये क्या है भाई, ये नकली सीसी का है निकल गया, आ जाती है भाई बार बार बाहर, ये बहुत ही नकली सीसी है गाइज। आइस लावा हॉर्न रखा है भाई बंदे ने, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बार्बेरियन तो किंग घुस ही चुका है अंदर ही साइड पे, ठीक है, अभी वो तो निकाल ही देगा, चाहे कुछ हो जाए वो निकाल के दे ही देगा। ओके, एक फ्रीज है, गोलम के ऊपर लॉक्ड है, ठीक है, इधर एक फ्रीज डाल देंगे इसे। क्वीन के पीछे एक हिलर लगा देनी चाहिए थी हम लोगों को। ये लो गाइस टाउन हॉल इधर से हम लोगों को मिल जाएगा, किंग के साथ मिल गया, इधर एबिलिटी मारेंगे क्वीन की। चलो गाइस क्वीन के साथ हम लोगों को बहुत अच्छी वैल्यू मिली है, ठीक है। अभी बारी आती है लालो की, लालो चालू करेंगे, एयर बुढ़ा आएगा, मिनियन आएगा पीछे से, इधर से भी लालो होएगा, नाइस नाइस, बहुत उम्दा। हेड हंटर्स जाएंगे, हेस्ट जाएगा और बुढ़ो की एबिलिटी भी जाएगी, मिनियन जाएगा, नाइस जॉब। फ्रीज जाएगा यहाँ पे एक, दो लून्स यहाँ पे, एक हेस्ट, और गाइस देखते देखते ये वाला बेस हम लोगों ने कर दिया खत्म। इधर डालेंगे गॉब्लिन को, ठीक है, और ये स्केलेटन स्पेल को इधर डाल देते हैं सीसी के ऊपर, जिससे कि वो क्लीन अप कर लेगा। आर्चर वार्चर डाल देते इधर, वीजर्ड वगैरह इधर, एक फ्रीज बच चुका है, अभी भी खत्म है गाइस ये बेस। ये हो गया हमारा जैप लावलून के साथ। जैप लावलून कब करना है पता है, जब दो सिंगल इन्फिर्नो आप लोगों को मिल जाए, क्योंकि भाई मल्टी इन्फिर्नोज ही आपके बलून्स को दिक्कत देंगे, सिंगल इन्फिर्नोज नहीं देंगे भाई साहब। ये फ्रीज का स्वैग मारेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये हो चुका है गाइस खत्म। ये थी आज की हमारी तीसरी अटैक स्ट्रेटजी। ये लो गाइस देख रहे हो बलून्स कितने सारे बच चुके हैं हमारे पास, बहुत सारी आर्मी बची है। ये हो गया हमारा 3 स्टार। अभी चलेंगे गाइस अगले अटैक के लिए। चलो भाई साहब अभी बढ़ते हैं चौथी स्ट्रेटजी की तरफ। चौथी स्ट्रेटजी होने वाली है हमारी ड्रैगन आर्मी। अब ड्रैगन में क्या करेगा सुमित, क्या है क्या ड्रैगन के अंदर जो तू करेगा? देखो गाइस इस बेस को ना आप बस प्लान सुन के आप पागल हो जाओगे, बोलोगे ये कैसा प्लान है भाई साहब। ये देखो मैं बताता हूँ, ईगल कंपार्टमेंट किंग और क्वीन के साथ आएगा, टाउन हॉल आएगा फ्लिंगर के साथ, ये वाला इन्फिर्नो जैप, ये वाला इन्फिर्नो जैप, क्या बचता है बेस के अंदर? कुछ समझ आया आपको? करके दिखाऊं? चलो गाइस आर्मी देख लो, ये रहने वाली हमारी आर्मी, ठीक है, 7 ड्रैगन्स 1 लावा। चलो एक एक चीजें करके बताता हूँ अभी आपको, ठीक है। अब देखो ड्रैगन कितना पावरफुल हो सकता है टाउनल 12 पे, ठीक है। सबसे पहले एक बलून डाल के 2 रॉकेट लून डाल दो, अरे यार गिरी नहीं ढंग से। चलो भाई बार्बेरियन बार्बेरियन फ्लिंगर जाएगा, अब ये फ्लिंगर क्या करेगा, फ्लिंगर टेक डाउन करेगा टाउन हॉल को। अब देखो कैसे करेगा पता है, क्योंकि रेंज में है फ्लिंगर के, तो फ्लिंगर इजीली टेक डाउन कर लेगा। अभी अपने को एक क्वेक डालना है, एक दो, नाइस, यहाँ पे डाल के डाल देने सारे के सारे, ठीक है भाई, इतना काम कर दिया हम लोगों ने। अभी इसके बाद बेबी ड्रैगन डालेंगे यहाँ पे, ठीक है, नाइस। देखो टाउन हॉल एक्टिवेट हो चुका है, अभी ये फ्लिंगर निकाल ही देगा। नहीं यार ये मैं कैसे कर सकता हूँ गाइज, आई फॉरगॉट 1 सुपर वॉल ब्रेकर, ओ माय गॉड, हाउ कैन आई डू दिस मैन, एक वॉल ब्रेकर भूल गए गाइज हम लोग, वॉल ब्रेकर लाना था भाई एक। ये देखो ये रॉकेट लून कम करके एक वॉल ब्रेकर लाना था, वॉल ब्रेकर ही नहीं लाए हम लोग, बताओ भाई क्या करेगा अभी बंदा। चलो ईगल नहीं मिलेगा, बस यही दिक्कत है अभी। सीन सपाटा हो गया गाइस। ओके बलून आई मीन ड्रैगन, बलून ड्रैगन आएंगे, क्या आएगा, एयर बुढ़ा आएगा, इनकी एबिलिटी जाएगी, हेड हंटर रेज बुड्ढे की एबिलिटी, नाइस जॉब। यही करना पड़ेगा अभी हम लोगों को। अरे पर स्वीपर है यार, वो छोड़ेगा नहीं यार, चुपचाप मेरे हीरोज चले जाते अंदर की साइड पे,
मस्त वैल्यू से मिल जाती है हम लोगों को। अभी देखो ये स्वीपर कैसे छोड़ेगा भाई, नहीं छोड़ेगा स्वीपर। चल भाई स्वीपर को मार दे मार दे मार दे मार दे मार दे, नाइस जॉब। सी अभी भी ड्रैगन्स बचे हैं, क्वीन भी बची है, और ये आइस हाउंड दिक्कत तो देगा भाई, क्वीन को दिक्कत तो ये देगा। चलो 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 चलो, नाइस जॉब नाइस जॉब। देख रहे हो एक सुपर वॉल ब्रेकर ना लाने का नतीजा, इतना ओवर पावर तरीके से हो सकता था ट्रिपल, लेकिन अभी रगड़ रगड़ के ट्रिपल हो रहा है, लेकिन हुआ जरूर है ट्रिपल। सुपर वॉल ब्रेकर आ जाता, ईगल बीगल बच जाता भाई, पूरी बलून की आर्मी इधर डाल देता, मस्त मिल जाता हम लोगों को टेस्ला फार्म वगैरह। लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला अटैक हो चुका है, फिर भी 3 स्टार। देखो ड्रैगन राइडर है, ड्रैगन है, तीनों के तीनों हीरोज जिंदा है, भले ही मरने वाले लेकिन जिंदा जरूर है भाई साहब। तो ये हो गई गाइज हमारी चौथी आर्मी के साथ 3 स्टार अटैक, ये थी हमारी चौथी आर्मी जैप ड्रैगन्स की आर्मी टाउन हॉल 12 के लिए। एनी गेसेस कि अभी हमारी लास्ट आर्मी क्या होने वाली है, 5th आर्मी? चलो भाई दिखाता हूँ। तो भाई तैयार हो आखिरी आर्मी देखने के लिए? आखिरी आर्मी इतनी इजी है भाई साहब, आप बोलोगे क्या आर्मी है भाई साहब, बहुत इजी आर्मी। ये देखो ये वाला बेस है, देखो आप लोगों को चाहिए एक सिंपल आर्मी जो 3 स्टार करके दे और पावरफुल तरीके से करके दे। जिस बंदे को ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है वो बंदा भी इसके साथ 3 स्टार कर सकता है। कौन सी आर्मी है बताओ सुमित? ये लो भाई साहब, ये देख रहे हो 12 जायंट 10 विच 11 बोलर, जाय बो विच आर्मी है ये हमारी। करना क्या होता है इस आर्मी के अंदर, चलो भाई डायरेक्ट अटैक के अंदर चल के बताता हूँ। कोई भी 2 इन्फिर्नो टावर्स को आप लोगों को टेक डाउन कर लेना है, तो हम लोग भी यहाँ पे 2 इन्फिर्नोस को टेक डाउन करेंगे जहां से प्रॉपर पाथ बने। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हमारे लिए ये मल्टी वाला और ये वाला इन्फिर्नो दिक्कत देगा, क्योंकि इस वाले इन्फिर्नो से तो मेन आर्मी घुसने वाली हमारी। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दो ठीक है, ये खत्म। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे हम लोग, चलो ये भी खत्म। उसके बाद देखो सिंपली जायंट्स की लाइन बिछाओ, विचेस की लाइन बिछाओ, बॉलर्स की लाइन बिछाओ, वॉल ब्रेक वॉल ब्रेक वॉल ब्रेक। उसके बाद न्यू सीज मशीन ये क्या नाम है, लॉग लॉन्चर आएगा, हीरोज भी आएंगे उधर से, ठीक है। दैट्स इट, इतना ही तो करना है गाइस हम लोगों को। अभी टाउन हॉल को भूल जाओ, तुम लोग टाउन हॉल को भूल जाओ भाई। ये लो गाइस इधर से हम लोगों को काफी अच्छी वैल्यू मिलने वाली है, देखो पूरी आर्मी घुस गई कोर में, नाइस गोइंग ना। किंग की एबिलिटी मारेंगे, बुड्ढे की एबिलिटी मारेंगे क्योंकि जायंट बम था वहां पे। अभी देखो ये जो हमारा लॉग लॉन्चर है, ये लॉग लॉन्चर देखो अभी टाउन हॉल तक जाएगा, ठीक है। और जैसे ही टाउन हॉल के आसपास जाएगा हम लोग रेड स्पेल डाल देंगे। बेस के अंदर गाइस कुछ बचा नहीं है, खत्म हो चुका है गाइस, ये बेस लिटरली खत्म हो चुका है। लेकिन आइस लावा तो भाई दिक्कत तो दे रहा है गाइस, तो हम लोग ना यहाँ पे एक रेड स्पेल ऐसे डालेंगे जिससे कि चीज़ें थोड़ी सी फास्ट हो जाए हमारी और जल्दी जल्दी टेक डाउन करने का काम करें। ये लो गाइस यहाँ पे यटी माइट्स टेक डाउन कर लेंगे एक्सबो को, यटी माइट्स तो गाइस टेक डाउन कर लिया। अभी देखो क्वीन आ चुकी है, इतने सारे विचेस का झुंड है, क्वीन के पास एबिलिटी है, दो अभी भी हमारे पास विजर्ड्स बच चुके हैं। ये लो गाइस ये वाला बेस एकदम इजी पीजी तरीके से हो चुका है 3 स्टार, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। टाइम देखो कितना सारा टाइम बच चुका है हमारे पास, खत्म हो गया गाइस ये बेस। तो ये थी भाई साहब आज की हमारी top 5 टाउन हॉल 12 की अटैक स्ट्रेटजीज। अब मेरे हिसाब से सबसे इजी तो यही स्ट्रेटजी, आर्मी देख रहे हो गाइस कितनी सारी बची है, सबसे पावरफुल आर्मी मेरे को यही लगती है टाउन हॉल 12 पे। जब मेरे को कुछ समझ नहीं आता तब मैं यही आर्मी लेके फट जाता हूँ और इजीली ट्रिपल आ जाता है हमारा। तो भाई साहब इसी के साथ हमारा स्कोर 33 स्टार हो चुका, अभी भी कुछ बेसिस बचे उनको मैं निपटा दूंगा बाद में। लेकिन आप लोग मेरे को कॉमेंट करके बताओ आपकी फेवरेट अटैक स्ट्रेटजी कौन सी है टाउन हॉल 12 के ऊपर। तो बस आज के लिए फिलहाल इतना ही, मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।